सबसे पहले आप सभी को जय हिंद जय हिंद सर। बढ़िया, एनर्जी बहुत तगड़ी है। और ये जो उम्र है ना, साइलेंस सभी लोग, ये जो उम्र है ना भाई, मेहनत करने वाली है। और ये जो खून है ना आपका भाई, एक्टिव है, सक्रिय है। तो जितनी मेहनत आप लोग करेंगे ना, पीछे वाले साइलेंस, आप जितना पसीने से नहाओगे ना भाई, उतना ही तगड़ा आपका क्या रहेगा, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना मेरा दोस्त, माँ बाप ने बड़ी उम्मीद एक आस एक लक्ष्य को लेकर यहां पर पहुंचाया है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी गई है फौजी बनने के लिए। अब उनको पता कि फौजी फैक्ट्री मैंने पहुंचाया है मेरी बेटी को या मेरे बेटे को, तो वहां से वो जरूर सफल होके आएगा, आएगी। तो मेरे दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है माँ बाप। और जीवन में कभी सक्सेस होना है तो माँ बाप का दिल मत तोड़ना, माँ बाप की दिल मत तोड़ना, उनकी उम्मीद पर खरे उतरना है। और कुछ भी गलत काम करने की इच्छा हो तो तुरंत सामने तस्वीर आपके माता पिता की आना चाहिए कि यार ये मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे माता पिता पे कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा, लोग मेरे माँ बाप को उंगली से बताएंगे। यस या नो? तो मेरे दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, इज्जत, शोहरत माँ बाप। तो माँ बाप का दिल कभी मत तोड़ो। और जिसने माँ बाप को माँ बाप मान लिया, माँ बाप एक भगवान का रूप होता है। मत जाओ मस्जिद, मत जाओ मंदिर, मत जाओ गुरुद्वारा, लेकिन माँ बाप के चरणों में कभी गिर गए ना आप लोग, तो जो चाहोगे वो आपको, समझ गए बाबू? तो मैं यही बोलना चाहूँ, आज मैं अपने एग्जांपल देता हूँ बाबू, कसम से बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप रोटी देता हूँ, सबसे पहले तो मेरा माँ बाप, समझ रहे बात को? सच बता रहा हूँ, मैं बनावट नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज वो चीज। सर आप भी अपने माँ बाप को माँ बाप मानो, ये बता रहा गर्ल्स एडवाइस, बहुत जल्दी आप देखो गलत काम करता हूँ ना, तुरंत अपने माँ बाप को लेता हूँ, कल किसी को पता चलेगा मेरे पापा आप क्या बोलेंगे, ऐसा ना ही क्या। तुम भी सोचो, गलत काम करने की इच्छा हो तो यार मेरे माँ बाप को लोग क्या बोलेंगे। यस सर, प्लीज अब ये बताओ, आप यहाँ पर रह रहे हैं, 5,000 रुपये से दिया आपको माँ बाप ने, मम्मी ने दिया, कोई दूसरा देने वाला है क्या? नहीं सर। दोस्त ध्यान रखो, हर परिस्थितियों में, हर संकट में, हर रुकावट में माँ बाप आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि यार मेरा बेटा मेरी बेटी। तो मेहनत करो, बड़ी उम्मीद एक आशा एक लक्ष्य को लेकर यहाँ पर पहुंचाया है। और मैं तो विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, कभी मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, प्रतिदिन ग्राउंड आए, प्रतिदिन यहाँ क्लास में आप लोग आए, तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं केवल आपको बोल रहा हूँ भाई, अभी 6 महीना भी आप लोगों ने दे देना, कितना महीना, 6 महीना, केवल 6 महीना भी आपने दे देना, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100% आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, 100% केवल 6 महीना। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई अभी मेहनत कर लो, केवल 6 घंटा भी मेहनत कर ली ना आपने, तो लोग 12-12, 13-13 घंटा करते ना भाई, वो 13 घंटे वाले से पूछ लेना बाबू क्या हालत होती है। तो आज आप इस उम्र में इस समय मेहनत नहीं करोगे तो वापस जो लोग आज 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा मेहनत कर रहे ना, उनके जैसे आप लोग पापड़ बेलेंगे। और आज आप लोग को मैंने इसीलिए समय निकाल कर बुलाया कि यार कुछ आप लोग को मैं समझूं, अच्छा रास्ता बताऊं कि क्या चीज होती है, समझ लो। मेन बुलाने का मेरा मकसद यही है। खाना खा लिया सभी ने? yes, बढ़िया खाना मिल रहा है? yes, sir. ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है? yes, sir. तो बस मैं तो यही बोलूंगा, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय निकल जाता है वापस नहीं आता, पैसे कमा लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बाबू उम्र निकल गई ना भाई, साइलेंस, उम्र निकल गई ना भाई, वो दोबारा नहीं आएगी। और जैसे जैसे आप लोग उम्र ज्यादा होगी तो डिमोटिवेट होता है इंसान, होगा नहीं होगा, क्या होगा, लोग ये बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही सक्सेस हो जाए। और जो बोले ना कि तू क्या है वो क्या है, तो उनका मुंह पहले ही बंद हो जाए। तो आज से सभी को
बताया 25 तारीख से आपकी बैच स्टार्ट हो रही है, कल 25 तारीख है आपकी, तो बढ़िया लीन हो जाओ। क्या हो जाओ? लीन। अभी तुमने केवल 6 महीना मुझे दिया ना, लीन बताओ 6 महीने के पहले भर्ती आएगी, 2 महीना आपका फिजिकल का और 6 महीना में आप क्या हो जाएंगे? लीन बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं कोचिंग, लेकिन मेहनत करो और बस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी माँ बाप। वो मंजर देखो जब आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर सबसे पहले आप अपनी दहलीज पर जाओगे, सामने आपकी बहन, आपका भाई, आपके भगवान, आपके माता पिता खड़े रहेंगे, और जब सर का ताज आप पहनाओगे या उनके सामने वर्दी में खड़े रहोगे, तो मंजर देखो, कुछ विश्लेषण करो आप लोग कि कितना गर्व फील होगा खुद पर आपको, और आपके माता पिता को आपके ऊपर होगा गर्व, यार मेरा बेटा ने मेरा नाम रोशन करा, समझ लो। तो पक्का वचन देते हैं, हम सभी लोग मेहनत करेंगे। पक्का वचन दिया? बढ़िया, मेहनत करो, नर्वस नहीं होना। मैं बार बार बोलता हूँ, पंक्तियां, दो पंक्तियां बोलता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का साइलेंस। वो मंजर देखो जब आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर आप खुद अपनी दहलीज पर आओगे, तो कितना गर्व फील होगा आपके माता पिता को, है ना। मेहनत करो, सब बच्चे सफल होंगे, सब स्वस्थ हैं, फिट हैं, यंग हैं, और ये जो उम्र है ना भाई, दौड़ तो आप खून है, जो चाहोगे वो कर सकते हैं आप, है ना। 10 घंटे की जगह 12 घंटा मेहनत करो, 6 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो 8 घंटा मेहनत करो, मेहनत 2 घंटा 3 घंटा बढ़ा दो, आप यंग हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। ओके सब खुश? यस सर। चलो, लव यू, जय हिंद, जय सर। चलो करो स्टार्ट।